Welcome everyone, my name is Pramod Bisel and in this video I am going to tell you why people leave PSUs to become IES officers. So recently मैंने नवीन के साथ एक इंटरव्यू किया था ऑफ कंपैरिजन बिटवीन ONGC एंड इंडियन रेलवेज विच वॉज अ बेसिक कंपैरिजन बिटवीन महारत्न PSUs एंड IES प्रोफाइल्स एंड हमारा कंपैरिजन था सैलरी के बेसिस पे अलाउंसेज के बेसिस पे मेडिकल बेनिफिट्स एंड प्रोमोशंस के बेसिस पे एंड आफ्टर द डिस्कशन देर वॉज अ कंक्लूजन कि PSUs की सैलरी PSUs के allowances and benefits, they are much better compared to IES profiles. And still, most of the people, they leave their PSU jobs to become IES officer. And इसके बाद ढेर सारे comments आ गए comment section में कि यार आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतने अच्छे benefits होने के बाद में भी लोग PSUs को छोड़ देते हैं IES officer बनने के लिए. तो इस video में मैं कुछ reasons को explain करूँगा. And जो सबसे पहला reason है, जो maximum candidates के लिए true होता है, वो ये है कि ज़्यादातर को ये comparison मालूम नहीं होता है. वी सिंपली अज्यूम कि जो हमें बेनिफिट्स PSUs में मिल रहे हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब सॉर्ट ऑफ वही बेनिफिट्स हमको IES जॉब में भी मिलेंगे और ये एक क्लैरिटी नहीं होती है जिसकी वजह से सिंपली PSUs को छोड़ के IES जॉब्स में लोग चले जाते हैं. और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो हाइप बनाई जाती है सारी की सारी कोचिंग्स के द्वारा. ना तो सारी के सारी कोचिंग है स्पेशली बड़ी कोचिंग ये IES वर्ड के अराउंड एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देती है. वो ऐसे दिखाते हैं कि आपको IES बनने के बाद में बहुत सारी पावर्स मिलेंगी, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, लोग आपको पता नहीं क्या समझने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे अलाउंसेज मिलेंगे. और उस हाइप के चलते हुए कोई भी पर्सन यूजुअली कंपेयर नहीं करता है PSUs को IES जॉब्स के साथ में. एंड अगर वो कंपैरिजन नहीं करेगा तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू टेक ए डिसीजन जो उसे अभी तक बताया गया है, जो उसके सीनियर्स ने लिया, क्योंकि सभी लोग अभी तक यही डिसीजन लेते आ रहे हैं PSUs को छोड़ के IES बन जाते हैं. कोचिंग आपको वही सिखा रही है, आपने आसपास वही देखा है. तो दैट इज ए वेरी सिंपल डिसीजन फॉर एवरीबडी. दे विल सिंपली लीव द PSUs एंड दे विल बिकम एन IES ऑफिसर. नाउ ये मेजोरिटी के लिए ट्रू है बट ये सबके लिए ट्रू नहीं. बाकी लोगों के लिए द रीजन इज द पावर एंड बेनिफिट्स दैट दे सी थ्रू द YouTube वीडियोज और द कोरा रिव्यूज और एनी अदर रिव्यूज रिगार्डिंग IES जॉब प्रोफाइल्स. ओके, तो ये सब जगह पर बताया जाएगा कि आपको एक ठीक ठाक पावर मिल जाती है, आपके अंडर में 500-600 लोग काम कर रहे हैं जो जिनको डायरेक्टली आप कमांड कर रहे हो, और ऑब्वियसली अगर आपकी फील्ड में जॉब है तो आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको एक बहुत अच्छा बंगला मिल जाता है. ये सब के चलते भी काफ़ी लोग कॉन्शियसली ये डिसीजन लेते हैं कि नाउ वी वॉन्ट टू बिकम एन IES ऑफिसर एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू स्टे इन PSUs. जो थर्ड चीज होती है वो ये है कि आपका जो स्टेटस है PSUs में दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एम्प्लॉय. आप वहां पे एम्प्लॉय हो, आप वहां पे काम कर रहे हो, बट इन IES प्रोफाइल्स यू आर ए गजेटेड ऑफिसर. ओके, आप एक गजेटेड ऑफिसर बनाया जाता है. अब ये टैग अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि आप एक गजेटेड ऑफिसर बन गए हो. तो इसके चलते भी बहुत सारे लोग ये डिसीजन लेते हैं कि यार हमको तो ये टैग चाहिए, हमको एक गजेटेड ऑफिसर बनना है, वी डू नॉट वॉन्ट टू स्टे एन एम्प्लॉय ऑफ सम PSUs. और क्या होता है कि PSUs के अंदर जो आपके जॉब प्रोफाइल है इट स्टेज ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट द ईयर्स. आपके 8-10 साल तक प्रोफाइल में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. जो आप स्टार्टिंग में कर रहे थे वही आप मैनेजर बनने के बाद करोगे, वही आप सीनियर मैनेजर बनने के बाद करोगे. काफ़ी लंबे पीरियड तक आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, बट दैट इज़ नॉट द केस इन IES प्रोफाइल्स. IES के अंदर क्या होता है कि आपका जॉब कंटिन्यूसली भी चेंज हो सकता है, स्पेशली इन रेलवेज इतने सारे प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं कि आपको रेगुलरली एक नई प्रोफाइल पर वर्क करने का काम मिलेगा, और आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, आप उनकी प्रायोरिटी सेट करते हो. सो इट बेसिकली फील गुड कंटेंट इज देयर, है ना. IES जॉब्स के अंदर एक फील गुड कंटेंट है, एक सोशल स्टेटस है जो कि PSUs के अंदर नहीं है. ये मेन रीजंस हैं हमारे PSUs को छोड़ के IES प्रोफाइल्स में आने का. एंड एक और रीजन मैं बता देता हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को यूजुअली पता नहीं रहता है, बट दैट इज़ कि आपके PSU के अंदर जो इंक्रीमेंट्स हैं उनसे बेटर इंक्रीमेंट आपके IES प्रोफाइल के अंदर लगते हैं. राइट, जब आपकी 12 इयर्स की सर्विस हो जाती है व्हेन यू कम इनटू द सिलेक्शन ग्रेड, तो वहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू PSUs. तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी के भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड इन सब की वजह से ही कोई भी बंदा PSU को छोड़ के IES जॉब के अंदर आना प्रिफर करता है इन नॉर्मल कंडीशंस.
सो अगर आप भी किसी PSU में काम कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव एन ऑप्शन टू बिकम एन IAS ऑफिसर देन डेफिनेटली यू शुड डू द कंपेरिजन एंड कॉन्शियसली टेक द डिसीजन. जस्ट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं या फिर कोचिंग वाले बोल रहे हैं उसके बेसिस पर डिसीजन मत लो. जो फैक्टर आपके लिए मैटर करते हैं उन फैक्टर्स के बेसिस पर आप डिसीजन लीजिए. ओके, देन यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन. नाउ यू कैन डाइजेस्ट द फैक्ट दैट रियली पीपल लीव PSUs टू बिकम एन IAS ऑफिसर. वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स. थैंक यू.